बड़ी संख्या में कोरोना के नए मरीज सामने आने के बाद जिला अस्पताल में आवश्यक संसाधन कम पड़ने लगे थे। जहां अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुलभ नहीं हो पा रही थी, वहीं जीवन रक्षक दवाएं भी कम प्राप्त हो रही थीं। ऐसे में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने लगातार अस्पताल का दौरा कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास किया। प्रहलाद पटेल द्वारा आज जीवन रक्षक दवा डेक्सा मेथासोन जिला अस्पताल को सौंपी गई। दरअसल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को जानकारी लगी थी कि जिला अस्पताल में जीवन रक्षक दवाओं की कमी है, जिसको लेकर उन्होंने संस्थाओं से संपर्क किया और आसियाना संस्था द्वारा आज पहली खेप 8664 इंजेक्शन की प्रहलाद पटेल के माध्यम से जिला अस्पताल को सौंपी गई। केंद्रीय मंत्री के सहयोगियों द्वारा सिविल सर्जन ममता तिवारी को यह खेप पहुंचाई गई। अंदर वाले कह रहे किलोमीटर की व्यवस्था नहीं हो रही मैम, आपसे सिलेंडर की व्यवस्था हो गई मैम, किलोमीटर की व्यवस्था नहीं हो रही। किलोमीटर में कहाँ से ले आएंगे? मुझे लगता है कि बहुत हद तक जो अव्यवस्थाएँ थी वो काबू में हैं और आज मुझे लगता है कि जिला अस्पताल का वातावरण अच्छा रहे और बेहतर दिख रहा होगा। कल जब मैं लौट रहा था तो इंजेक्शन की चर्चा हुई थी, मैं इस बात के लिए डॉक्टर संगतानी जी का धन्यवाद करूंगा। उनने इस बात का आग्रह किया था और एक पत्रकार जिनका मैंने रिट्वीट किया था, राघवेंद्र द्विवेदी, और जब मुझे जानकारी मैंने पूछा कि भाई यहाँ पर इंजेक्शन कितने हैं, तो उन्होंने कहा कि 1000 थे और बामुश्किल 150 बच्चे हैं। तो मैं कहा देखता हूँ अगर कोई व्यवस्था बन सकती है, लेकिन हमें आपसे मांग चाहिए। उन्हें 10,000 वॉल्यूम की मुझसे मांग की थी और मैं आशियाना संस्कार समिति का धन्यवाद करता हूँ कि मांग की आपूर्ति हो गई। उसकी पहली किस्त 8664 वॉल्यूम आज हमारे सभी सहयोगियों ने सिविल सर्जन को सौंपे हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं जिले की जनता को कि इस इंजेक्शन की कमी जिला चिकित्सालय में नहीं होगी। दो इंजेक्शनों की बात और उन्होंने कही है और मेरा विश्वास है कि कल दोपहर तक हमारी जो और भी सहयोगी संस्थाएं हैं वो मदद करने के लिए तत्पर हैं और मैं समझता हूँ कि दोपहर तक वो आपूर्ति भी हो जाएगी। सांसद जी और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल जी के द्वारा आसियाना संस्था के से आज हम लोगों को लाइफ सेविंग ड्रग्स डेक्सामेथासोन मिला है, जो हमारे यहाँ कई दिनों से ऑर्डर में लगा है, लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही है क्योंकि उसकी नई आरसी हुई है तो सप्लायर चेंज हो गया तो उसका डिले हो रहा है। तो हम लोगों ने सर से आग्रह किया कि ये लाइफ सेविंग ड्रग्स है, तो सर से जब रात में बात हुई तो उन्होंने तुरंत सुबह भेज दिया है, तो मैं उनका बार बार धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आम नागरिक की जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमेशा समय समय से भेज रहे हैं, सभी लोग भेज रहे हैं। तो मैं माननीय कैबिनेट मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो कि आप नागरिकों के लिए इतना ध्यान रख रहे हैं और हम लोगों का भी ध्यान रख रहे हैं। जैसा कि अस्पताल के द्वारा माननीय प्रहलाद पटेल जी को अवगत कराया गया था कि इस इंजेक्शन का ऑर्डर तो 10,000 का डोज का है लेकिन आ नहीं पा रहा है, तो भाई साहब से कल बात हुई तो उन्होंने अपने प्रयास से आसियाना संस्कार समिति जबलपुर को निवेदन किया तो उनके द्वारा 10,000 डोज तुरंत भेज दिए गए और भाई साहब के अथक प्रयास से यह डोज आज हम लोग अस्पताल को सौंपने आए हैं। जो इंजेक्शन यहाँ उपलब्ध हुए हैं, माननीय हमारे लोकप्रिय नेता, हमारे केंद्रीय मंत्री और यहाँ के सांसद के सौजन्य से जो एक संस्था है उनसे एक निवेदन किया गया कि हमारे मेन हॉस्पिटल में इंजेक्शनों की काफ़ी कमी है और ये 10,000 डोज जो दिए गए हैं वो माननीय मैडम के माध्यम से हॉस्पिटल में जो मरीज गंभीर हैं उनको उपलब्ध होंगे। साथ में ये भी निवेदन किया गया है माननीय सांसद जी और माननीय मंत्री जी के माध्यम से कि अगर
अव्यवस्थाएँ कहीं पर भी किसी प्रकार की हों तो वो तत्पर उनके हम लोग कार्यकर्ता और सैनिक खड़े हुए हैं। तन और मन धन से हम अपने मरीजों की देखभाल और देखभाल करेंगे। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जी भाई साहब के मार्गदर्शन में आशियाना संस्कार समिति जबलपुर के द्वारा 10,000 डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का अस्पताल को दान किया गया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एक बहुत बड़ी होड़ चली हुई है कि रेमडेसिविर, लेकिन लोगों की जानकारी में बताना चाहता हूँ कि डेक्सामेथासोन जो है ये भी एक लाइफ सेविंग ड्रग है और ये बहुत इकोनॉमिक कॉस्ट में आता है। जैसे ही भाई साहब के संज्ञान में इस बात को लाया गया, उन्होंने तुरंत अपने प्रयासों के द्वारा 10,000 डोज दमोह हॉस्पिटल को प्रदान किए और आगे भी जहाँ जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि अभी माननीय CMHO मैडम ने बताया कि हम मिथाइल प्रेडनिसोलोन या अदर्स ड्रग्स चाहिए है, तो उसके लिए भी भाई साहब जल्दी से जल्दी व्यवस्था करके दमों के लिए पहुँचाएँगे और हमारे दमों के नागरिकों की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर वो बहुत सजग हैं और आने वाले समय में जो भी सुविधाएँ वो दे सकते हैं उसके लिए वो सतत कार्यरत हैं और सतत प्रयासरत हैं। धन्यवाद। दमोह के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी की कुशल मार्गदर्शन में कुशल प्रयास से आज दमोह में जो बहुप्रतीक्षित मांग थी, जो दमोह की जनता के लिए जरूरत थी इंजेक्शन की डेक्सामेथासोन, उसकी पूर्ति जबलपुर की जो संस्था है आशियाना उसके द्वारा पूर्ण की गई है। मैं निश्चित रूप से केंद्रीय मंत्री जी का आभारी हूँ, उनके निर्देश में जिस प्रकार से जिले से काम चल रहे हैं मैं बधाई के पात्र हैं। खुशखबरी, अब आपके शहर दमोह में आर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी जोड़ एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र चौरसिया, MBBS DNB असिस्टेंट प्रोफेसर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर मध्य प्रदेश। उपचार सुविधाएं, सभी प्रकार के ऑपरेशन, हड्डी एवं जोड़ के फ्रैक्चर आधुनिक पद्धति से उपचार, गठियावाद, अर्थराइटिस, साइटिका एवं रीढ़ की हड्डी का उपचार, घुटना, कमर दर्द, हाथ पैर जकड़न एवं जन्मजात पैरों के टेढ़ेपन के उपचार के लिए हर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। जानकी मेडिकल यूनियन बैंक के बाजू में राय चौराहा दमोह में उपलब्ध रहेंगे। हेलो गाइस, क्या आप जानते हैं अब हमारे शहर में एक नया ऐप आया है जिसका नाम है केक कार्ट। जी हाँ, जिससे आप फल, सब्जी, किराना और भी अपनी जरूरत का सारा सामान घर बैठे उपलब्ध कर सकते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर केक कार्ट ऐप इंस्टॉल करें, उसके बाद अकाउंट बनाकर लॉग इन, जो भी आप खरीदना चाहते हैं उसे कार्ट में ऐड करें, उसके बाद अपना एड्रेस, डेट और टाइम सिलेक्ट करें, उसके बाद आप अपना पेमेंट ऑप्शन चुनें, ऑर्डर नाउ पे क्लिक करें और निश्चिंत हो जाएं।